Hello friends, today we will discuss about our syllabus of science. आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के सिलेबस पे, जो सिलेबस अभी रिसेंटली CBSE ने अपलोड किया 2020 और 21 वालों के लिए, ठीक है। तो चूंकि हुआ क्या, थोड़ा बहुत इसमें चेंज करके बाकी जो पिछले साल का सिलेबस है वही सिलेबस इस बार भी है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। हुआ क्या इस बार सिलेबस में, और पिछली बार भी यही था, टोटल हम लोगों को 100 मार्क्स में से पता होगा आपको कि 80 मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल होते हैं, और 20 मार्क्स क्या होते हैं, हमारे इंटरनल होते हैं। टोटल 100 मार्क्स मिलना होता है हम लोगों को, जिसमें से 80 मार्क्स का हमारा पेपर बनता है और 20 मार्क्स क्या होता है, इंटरनल होता है। ये इंटरनल जो होता है यहाँ पे तो सीधे क्वेश्चन पेपर से ही होता है, ये सीधे क्वेश्चन पेपर से होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चार टास्क में डिवाइड कर देते हैं। पहला जानते हो कि जो आप लोगों का जो PT होता है, जिसको पीरियोडिक टेस्ट बोलते हैं, वो क्या होता है, 5 मार्क्स का होता है, और 5 मार्क्स का होता है जो हमारे MCQ होते हैं, जो हमारे मल्टीप्लिकेटिव असेसमेंट होते हैं, जो हमारा होता है ना कि मल्टीपल असेसमेंट। तो मल्टीपल असेसमेंट और पीरियोडिक टेस्ट मिला के, ठीक है, ये दोनों होते हैं 10 नंबर के, मीन्स 5 नंबर का हमारा होता है मल्टीपल असेसमेंट और 5 नंबर का होता है पीरियोडिक टेस्ट। अब बात आती है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी कभी कभी स्कूल में कराते हैं, तो प्रैक्टिकल और जो हमारा रिकॉर्ड बनता है, जो हम लोग कॉपी बनाते हैं, इसको मिला के 5 नंबर प्रोवाइड कराते हैं। और 5 नंबर जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है, वो हमारे स्किल पे होता है, हमारी लिसनिंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिला के हमें 5 मार्क्स मिलता है। तो ये हमारे 20 मार्क्स यहाँ से कवर होते हैं और 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। मित्र एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को, एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो ये 20 मार्क्स है ना, इस 20 मार्क्स की अथॉरिटी आपके स्कूल के पास है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आपके स्कूल वाले आपको 20 मार्क्स दे सकते हैं। CBSE ने सीधे सीधे रिकमेंड करते हैं स्कूल्स वालों के कि अगर बच्चा अगर डिजर्व कर रहा है, इफ़ स्टूडेंट्स इज डिजर्विंग देन द स्कूल में प्रोवाइड यू 20 out of 20। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, भले स्कूल वाले कहते हैं ना अक्सर हम लोगों से कि नहीं पूरा नंबर नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। CBSE ने कहा है कि बच्चा अगर डिजर्व कर रहा है, अगर स्टूडेंट्स उस काबिल है, तो आप उसको 20 out of 20 मार्क्स दीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जानते हैं ना स्कूल में क्या होता है, स्कूल में सर लोग क्या करते हैं, सारा ऐसा लगता है कि सारा नंबर यहीं से होना है, उसमें बिहेवियर चीज़ें होती हैं, हम कैसे कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड बना रहे हैं, कैसा हमारा पर्सनल बिहेवियर है, बहुत सारी चीज़ों को वो लोग अपने पर्सनली स्तर पर लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी स्कूल वाले चाहें तो आपको 20 out of 20 दे सकते हैं। रहेगी बात हमारे इधर के सेक्शन की, जो हमारा ये 80 मार्क्स का है, इस 80 मार्क्स में क्या होता है कि हमारे क्या है, टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। ये 80 मार्क्स हमारा क्या है, 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, जिसमें जो हमारा पहला है ये केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। ये क्या है टोटल हमारी, ये केमिस्ट्री है, ये क्या है, ये हमारी क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्रीज कितने मार्क्स के आने, 25 मार्क्स के आने, पता होगा आपको उसमें समय हमें स्टार्टिंग 4-5 जो चैप्टर वो क्या है, केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, और वहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने, 25 मार्क्स के आने हैं हमारे एनुअल एग्जाम में। पूरी बात को अभी से समझते रहिए ताकि हम लोग उसे सिस्टम से पढ़ाई शुरू करेंगे। दूसरा जो हमारा है वो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग है इसमें हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस है, जो हमारा बायोलॉजी का सेक्शन है, वो बायोलॉजी का सेक्शन हमारा यहाँ से है, ठीक है। वो क्या है, बायोलॉजी से हमारे कितने बनने, 23 बनने हैं, और नेचुरल रिसोर्स में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का। अब अगली बात आती है नेचुरल फेनामेना। नेचुरल फेनामेना क्या है हमारा, ये फिजिक्स का है, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह पढ़ना है, ठीक है, और पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है इमेज फॉर्मेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब चीज़ें हम लोग यहीं से पढ़नी है, फिजिक्स में पढ़नी है। इफेक्ट ऑफ करंट सब लोग जानते हैं, इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना और मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना और मैग्नेटिज्म पढ़ना, यहाँ पर लाइट पढ़नी है, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना हमें लाइट पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ करंट में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ना है, और जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स हम लोग क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, जो हमारा थोड़ा सा बायोलॉजी का टॉपिक क्या है, इन्वायरमेंट है। इसके अलावा नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हम लोगों का अपना एक अलग से चैप्टर भी इसका है हमारे पास, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये क्या है, ये फिजिक्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों जो अपना लास्ट का जो हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या है, इसमें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी पढ़ना हम लोगों को, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारे सेक्शंस मिला के टोटल जो हमारे मार्क्स बनने हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स हमें एग्जाम में मिलता है वो क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन जो पेपर बनते हैं वो 80 मार्क्स का बनता है, और 20 मार्क्स हमारा यहाँ पे है,
इसको ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। हालांकि हमने आपको सिलेबस दिया है, हमने आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कराया है, अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर करिए, नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हम कोशिश करेंगे आपको सिलेबस प्रोवाइड कराने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।